गाइस तो आज हम लोग हैदराबाद में, तो गाइस आज हम लोग हैदराबाद में हैं। देखो अभी तो सिर्फ 4:39 हुआ है, अभी तो बस 4:39 हुआ है, ठीक है। और हम मतलब आज ना हम लोग ना काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, मुझे थिएटर लगा था दूर हो दूर। पर देखो आप लोग तो सोच रहे होंगे इतने जल्दी कैसे आ गया, क्योंकि हम लोग प्लेन से आए और प्लेन उतना डिले करती नहीं है, ट्रेन ज़्यादा डिले करता है। गाइस हम नहीं चाहिए मुझे, अरे यार बाद में खा लूँगा, दो दो रखे हैं ना वो। कुछ नहीं, मेरी मम्मी बोल रही थी कि सैंडविच खाऊंगा, प्लेन में सैंडविच ही मिला था, जूस मिला था और कुकीज मिला था और कुछ पटन क्या अजीब सा डिस्टिक मिला था, वो नहीं खाए हम लोग, टेस्ट भी नहीं किए उससे, क्योंकि वो वाला डिश खाते भी नहीं थे। गाइस जो ये वाली जगह है यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा शांति है, गाइस इतनी शांति। एक चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस एयरपोर्ट में इतनी शांति है, इतनी मुझे तो ये, और ना अगर यहाँ आते ही ना कुछ ऐसा लगता है ना कि एयरपोर्ट में हो ही नहीं, ऐसा लगेगा, ठीक है। गाइस अभी फिलहाल हम लोग के एयरपोर्ट में है, हैदराबाद के घर में नहीं है एक। अब देखो हम लोग रुके हुए हैं, अब देखो जैसा मैंने बोला कि मैं अब यहाँ पे हूँ, हम लोग रुके हैं। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोग गए क्यों नहीं, क्योंकि ना मेरे पापा आ रहे, पापा मैं लेने आएंगे, और ना मैं जब मैं मम्मी से पूछा ना कि टैक्सी करके भी आ सकते हैं ना, आ तो सकते ही एक तक कोई तो टैक्सी होगी, फिर मम्मी ने बोला कि इधर टैक्सी काफ़ी कम चलता है। पर क्या बात है भाई, गोरखपुर के जो जितने भी वहाँ पे हैं ना एयरपोर्ट, जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट, उन दोनों एयरपोर्ट में काफ़ी टैक्सीज उनके वगैरह है। चलो ऐसा भी हो सकता है। तो गाइस एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अभी एक घंटा रुकना पड़ेगा, अगर प्लेन लेट होगी एक घंटा तब पता नहीं क्या होगा, 6 बज सकते हैं। गाइस यहाँ पे हैदराबाद भी लिखा हुआ है, गाइस अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर है, पर अभी देखो एक घंटा वेट करना पड़ेगा तब क्या किया जाए। गाइस तो हम लोग अभी क्या करते हैं ना, अभी पता नहीं क्या करते हैं। बेटा यहाँ पे ठीक है, कुछ नहीं, मेरी मम्मी ने पता नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे सुधारना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग तो देख ही सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट म्यूजिक बज रही है। देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐड किया हूँ इसमें म्यूजिक,
तो नहीं किया हूँ मैंने इसमें म्यूजिक, क्या है ना इस एयरपोर्ट में इतना सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा, शांति भी इतना है ना, ना मन करता है कि सो ही जाऊं। गाइस पर इतना शांति है ना इस एयरपोर्ट में कि क्या इतना ज्यादा शांति कहीं नहीं कोई एयरपोर्ट में नहीं मिलता। देखो कोलकाता है, इवन मैं गोवा में जा रहा था, क्या हुआ गुवाहाटी के एयरपोर्ट में गया, वहाँ से कोलकाता गया, फिर कोलकाता से गोवा, उसका मैंने वीडियो सच में नहीं बनाया हूँ। गाइस अब तो बोर होने लग गया हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, कितना लंबा तुम वीडियो बनाती हो बट गाइस उतने धीरे धीरे बोल रहे हो, किसी को सुनाई भी नहीं। हम लोग यही घर पर, मेरी मम्मी पता नहीं ऐसा बोल रही थी कि और कितना लंबा वीडियो बनाऊंगा है, यूट्यूबर्स लोग तो तब भी लंबाई वीडियो बनाते हैं। गाइस यो गाइस यहाँ पे देखो दुकान भी है, खाना खाने का भी बना है, सब कुछ बना है इस एयरपोर्ट में। वो वाला बोर्ड पटाने की दर है, वो वाला बोर्ड जो जिसमें वो दिखाता ना कि प्लेन किस टाइम पे डिपार्ट करेगी, डिपार्चर मतलब और अराइवल किस टाइम पर करेगी, वो मैंने बोर्ड पता नहीं यहाँ पर किधर लगा है, ऐसा भी हो सकता है कि लगा टकना हो। तो क्या किया जाए, हमारा देखो मेरे पापा की अगर फ्लाइट डिले हो गई ना अगर थोड़ा, तो पता नहीं क्या होने वाला है, काफ़ी बोर क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लाइट भी नहीं पकड़नी है। गाइस तो अब हम लोग करते हैं इस वीडियो का एंड।